अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MJBF मेरा नाम है और मैंने कल रात एक सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर मैंने ये देखा कि एक शख्स से जो आप सल्लम के आंगन में खड़ा हुआ लोगों से दरख्वास्त कर रहा है कि तुम्हें वास्ता है आप सल्लम का, इस रोज़े का वास्ता है, कुमच खिजरा का वास्ता है, इस वीडियो को शेयर करें। अब मैं उससे ये कहना चाहता हूँ भाई कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ज़र्रे ज़र्रे के मालिक के महबूब हैं, उनको उनके दरवाजे पर खड़े होकर तू किसी उम्मती से भीख मांग रहा है यार, तेरा दिमाग काम कर रहा है। फिर दूसरी बात ये तो वो वाली बात हो गई कि खान साहब गए उम्रे पे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनके दोस्त का फ़ोन आया, बोले यार गल सुन, बोले खैरियत है, बोले यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, बोले यार इस तरह करें कि दाता तो जाके मेरे वास्ते दुआ करे। अब आप सल्लम के रोज़े पे बैठ के दाता के यहाँ से दुआ करवा रहा है वो, तो मकसद ये कि दिमाग का फेर है, अल्लाह इनको अकल सलीम अता फरमाए। और भाई ये जो वास्ते देते हैं ये अच्छी बात नहीं है, आप अपने अंदर कोई टैलेंट पैदा करें। देखें ये इस दरवाज़े के एहतराम का, आप सल्लम के दरवाज़े का एहतराम है, सारे अंबिया इस दरवाज़े के फ़कीर हैं, समझे ना, सारे नबी तेरे दर के सवाली, समझे ना, आप सल्लम के दर के सवाली हैं। तो आप थोड़ा सा एहसास करें इसी पाक हस्ती के लिए, आप वहाँ जाके वीडियो शेयर करने की, ऐसी मामूली सी बात, हर सूरत में ये रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से ना, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये हरकतें नहीं करो, बाकी जो कुछ तुम कर रहे हो, और एक सोशल मीडिया पे किसी की ज़ात के लिए झूठ मत बोलो। अभी आपने हसन सादिक के लिए उड़ा दिया कि उनका इंतकाल हो गया, आमिर लियाकत साहब के लिए आप अभी तक लगे पड़े हो पीछे, जबकि इंतकाल हो जाए तो जज भी हथकड़ियाँ खुलवा देता, चाहे वो कितना ही बड़ा मुजरिम हो, बोले भाई अब ये हमसे बड़ी अदालत में चला गया, अब इसकी हथकड़ियाँ खोल। सोशल मीडिया पे झूठ का बिल्कुल बंद करो, इससे क्या है कि जो सच बोल रहे होंगे ना वो भी बेचारों की झूठ हो जाएगी, जो इस पे सही मैसेज भेज रहा होगा ना वो भी बेचारा झूठा हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि झूठ मत बोलो, सोशल मीडिया पर काम करो, अच्छा मैसेज पहुँचाओ, लोगों की मदद करो, आवाज़ बनो, अपने अपने इलाकों की आवाज़ बनो, समझे ना, अच्छा मैसेज दो, मगर झूठ मत बोलो, क्योंकि कल फिर जो सच बोल रहा होगा ना इस सोशल मीडिया पे वो भी झूठी लगेगा, समझ रहे हैं आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात का एहसास करेंगे कि आप सल्लम के रोज़े पे खड़े होकर कभी नहीं कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, और आप जब वीडियो शेयर करने का कहते हैं ना तो आपकी पीठ होती है अल्लाह के रसूल के रोज़े की तरफ, और सैयद को पीठ देना कितना बड़ा गुनाह है आपको इस बात का पता नहीं, अगर आपको पता लगे ना आप गर्क हो जाओ, आप वो फर्श में ही गर्क हो जाओ। बस मैं इमोशनल हो जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।